आज कक्षा 9वीं के बच्चे पाठ 6 उत्तक की दोराही करेंगे। अभी बच्चों के सितंबर के टेस्ट आए हुए हैं और बच्चे इस तरीके से बहुत ही रुचि लेकर के अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो हम करते हैं शुरू, बच्चों के पास चलते हैं। बच्चे सारे के सारे एक एक दो दो लाइन में पूरे चैप्टर का रिविजन कर देते हैं। तो करते हैं हम शुरू अब बच्चों से। उत्तक समान उत्पत्ति और संरचना करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। बिल्कुल सही रिया। उत्तक के दो प्रकार होते हैं, सरल उत्तक और जटिल उत्तक। सरल उत्तक एक ही प्रकार की कोशिकाओं के समूह को सरल उत्तक कहते हैं। जटिल उत्तक भिन्न प्रकार की रचना तथा कार्य करने वाली कोशिका के समूह को जटिल उत्तक कहते हैं। बिल्कुल सही शाबाश। एक कोशिका तथा बहुकोशिका का कोशिकाओं से बनी होती है। बिल्कुल सही। रक्त संयोजी उत्तक है जो विभिन्न अंगों को जोड़ता है और जरूरी पदार्थों को हमारी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। बहुत सही, बहुत सही। जाइलम और फ्लोएम समान उत्तक है जो पौधों में पानी व खनिज लवण का सेवन करते हैं। बिल्कुल सही। नारियल का रेशेदार छिलका साइक्लेन काइमा से बना होता है। सक्लेरन काइमा से उत्तक से बना होता है जिससे रस्सियां भी बनाई जाती है। बिल्कुल सही। पेशी उत्तक लंबी कोशिकाओं से बने होते हैं जिसे पेशी रेशा कहते हैं। यह हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है। इसके तीन प्रकार हैं, ऐच्छिक पेशी, अनैच्छिक पेशी और अर्धपेशी। बिल्कुल सही शाबाश। सभी गतियां पेशियों के कारण होती हैं। जंतु अंगों को पेशी उत्तक गति प्रदान करता है। बिल्कुल सही। पौधों के पत्तों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। इन पर सभी रक्षी कोशिकाएं होती हैं जो गैसों का आदान प्रदान करती है। बिल्कुल सही। पत्तियों के अंदर स्टोमेटा होते हैं। चलो, अमीबा अपनी एक ही कोशिका है जो गति, भोजन लेने की क्रिया, श्वसन क्रिया और उत्सर्जन क्रिया करता है। क्योंकि अमीबा एक कोशिक जीव है तो सभी जो कार्य है वो अपनी एक ही कोशिका से करता है। शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ने का कार्य करने वाले उत्तक को संयोजी उत्तक कहते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं, साधारण संयोजी उत्तक, तंतुमय संयोजी उत्तक, कंकाल संयोजी उत्तक। बिल्कुल सही, वेरी गुड। हमारी त्वचा एपिथीलियम, चलो, हमारी त्वचा एपिथीलियम उत्तक से बनी होती है। बिल्कुल सही शाबाश। उत्तक का एक उदाहरण है रक्त। रक्त के त्रिलाधात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं। बिल्कुल सही। पौधे में लचीलेपन का गुण कोलेन काइमा उत्तक के कारण होता है। बिल्कुल सही, वेरी गुड। रक्त एक संयोजी उत्तक है, इसके और इसका रंग लाल होता है। बिल्कुल सही मानसी। रुधिर एक समान या तरल संयोजी उत्तक है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा पोषक पदार्थों को शरीर के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता है। बिल्कुल सही शाबाश। पादप उत्तक भी भोज्य उत्तक के पास रसदानी नहीं होती। बिल्कुल सही। मानव शरीर में सबसे कठोर उत्तक हड्डियां होती हैं। बिल्कुल सही शाबाश। पेशिया उत्तक तीन प्रकार के होते हैं, रेखित पेशिया उत्तक, अरेखित पेशिया उत्तक और हृदय पेशिया उत्तक। बिल्कुल सही। अस्थियां या हड्डियां शरीर को ढांचा एवं गति प्रदान करती है। बिल्कुल सही। सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से रिवीजन किया है और ऐसे ही बच्चे तैयारी करते रहेंगे। ये हमारा पाठ था उत्तक और अच्छे से बच्चों ने तैयारी की, आगे से भी ऐसे ही तैयारी करते रहेंगे। वेरी गुड शाबाश। और